खबर है अमृतसर तो जिथे अज अमृतसर च पुलिस ने करोड़ रुपए की गबन करने वाले व्यक्ति नू काबू किया है। जानकारी अनुसार कुछ महीने पहला अमृतसर दे रंजीत एवन्यू च दफ्तर खोल के ऑनलाइन कारोबार दे नां ते फर्म बनाई गई सी, जिस विच कई वड्डे कारोबारियां डाक्टरां अते नौजवानां ने अपने लखां रुपए का निवेश किया। इत्थों तक के कुछ कारोबारियां ने भी करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिन्हां नू इह कंपनी हर 15 दिन बाद 10 तों 15% मुनाफा दिंदी सी, पर मार्च दे महीने विच अचानक ही यह दफ्तर बंद कर दिता गया सी। मालक भज गया सी अते फोन नंबर भी बंद कर दिते गए सन, जिस तों बाद इस कंपनी च निवेश करने वाले लोगों ने पुलिस तों मामला दर्ज करके इसकी जांच करवाउण दी मांग कीती सी, जिस नूं लैके पुलिस ने वख-वख सूबियां च जाके छापेमारी कीती। अज इस कड़ी च पुलिस नूं वड्डी कामयाबी मिली है अते इस कंपनी दे मालक नूं पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट तों गिरफ्तार कर लिया, जिस नूं अदालत च पेश करके 4 दिन का रिमांड हासिल किया गया। जबकि पुलिस अधिकारी ने कहा कि इसकी बारीकी नाल जांच की जा रही है, रिमांड च होर भी खुलासे होने की संभावना है, पूछगिछ की जाएगी ते इस दे बाकी साथी किथे ने अते उन्हां दे भारत च अजिहे दफ्तर किथे खोले हुए ने अते पूछगिछ च किथे भी खुलासे होणगे उसकी जानकारी पुलिस नूं दित्ती जाएगी। आने वाला समां धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों ने पुलिस का धन्नवाद किया। उन्होंने जसप्रीत सिंह नूं दिल्ली एयरपोर्ट तो गिरफ्तार करके अदालत विच पेश किया। कई लोगों ने खुदकुशी करने की कोशिश भी की है जो समय सिर बच गए। उन्होंने कहा कि असीं पुलिस प्रशासन तो इंसाफ की मांग करते हाँ, उसके बाकी साथियों नूं भी जल्दी फड़िया जाना चाहिए। उक्त कंपनी के मालक के वकील संदीप वालिया ने पत्रकार नाल गलबात करदे दस्सिया कि पुलिस वाले पासों जसप्रीत सिंह का 10 दिन का रिमांड मंगिया सी, पर अदालत वालों 4 दिन का रिमांड दिंदिया कहा कि FIR अनुसार 50 करोड़ का गबन किया गया, पर कोई सबूत सामने नहीं आया। सारा की है मामला आओ सुनाने पूरी खबर। अमृतसर तो सुनील खोसला की रिपोर्ट।